नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुषमा मौर्य, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुंजल क्रिया, जिसे वमन धोती भी कहते हैं। कुंजल क्रिया या वमन धोती करने के बहुत सारे फायदे हैं। उसमें से एक फायदा यह है कि ये आपके वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। इसके अलावा अगर आपको आपके चेस्ट में या आपके थ्रोट में, गले में खिचखिच हो रही है या आपको कफ लग रहा है कि कफ ज्यादा हो गया है, उसको निकालने में भी ये बहुत मदद करता है। और साथ में ये वमन धोती जो है वो आपके स्टमक से लेके आपके फूड पाइप से लेके आपके मुंह तक सबको अच्छी तरह से क्लीन करता है। और वमन धोती करने के बाद आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। पर इसको किसे नहीं करना है वो भी हम ध्यान में कर लेते हैं। जिन लोगों को हाई बीपी है या फिर अल्सर है, ऐसे लोगों को वमन धोती करने से पहले थोड़ी सावधानियां रखनी चाहिए या कोई एक्सपर्ट है उनकी देख रेख में ही करना चाहिए। तो आज अब हम वमन धोती की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। और एक बात याद रखिए, वमन धोती करने के लिए रात को आप खाना जल्दी खा लीजिए। और अगर आप 10 से 12 घंटे का फास्टिंग काफी अच्छा रहेगा। और वमन धोती करने से पहले अगर आपका मोशन हो गया तो सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन शुरुआत में अगर आपका मोशन नहीं हुआ है तो भी आप अगर करेंगे चलेगा, लेकिन अगर मल शुद्धि हो जाती है, मोशन हो जाता है, उसके बाद वमन धोती करेंगे तब उसका ज्यादा फायदा मिलता है आपको। वमन धोती करने के लिए आपको गुनगुना पानी चाहिए, लुकवार्म वाटर। तो मैंने यहाँ पे 2 लीटर पानी लिया है लुकवार्म वाटर, वो हल्का गर्म है, जितना कि आप गर्म पी सकते हैं उतना गर्म। और मैंने यहाँ पर ग्लास लिया है और इसमें नमक डालना है। मैंने यहाँ पर सेंधा नमक लिया है, लेकिन आप चाहे तो कोई भी नमक ले सकते हैं। और इसमें मैंने पहले से ही नमक डाल दिया है, उबालते समय ही, गर्म करते समय ही। आप थोड़ा सा पानी लेके उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो जितना आपके खाने में नमक होता है उससे थोड़ा ज्यादा नमक रहेगा तो भी चलेगा, अदरवाइज जितना आप खाने में नमक यूज करते हैं उतना आप कर सकते हैं। तो इसमें मेरा नमक थोड़ा मुझे कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और नमक ऐड कर देती हूँ। वमन धोती के लिए आप कम से कम 1 लीटर पानी से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद 1 लीटर से 1.5 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर भी आप पानी पी सकते हैं। तो वमन धोती के लिए मैंने ये पॉट लिया है जिसमें मैं पानी को बाहर निकालूंगी। तो वमन धोती करने के लिए आपको उत्कट आसन में बैठना है, स्क्वाटिंग में आपको बैठना है। अगर आप इस तरह से बैठने में सुविधाजनक नहीं हो आपको लगे, तब आप आपके नी को नीचे रख के भी इस तरह से भी बैठ सकते हैं या खड़े होके भी पी सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा इसका तरीका है पीने का इस तरह से एड़ी को ऊपर करके और उत्कट आसन में बैठना, ताकि आपका जो स्टमक का एरिया है वो ओपन रहे, खुला रहे। और पानी जो पियेंगे वो थोड़ा जल्दी जल्दी पियेंगे, सिप कर करके नहीं पियेंगे, एक एक घूंट करके पानी एक साथ पियेंगे। सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा है 2 लीटर में, तो मैं एक बार वमन कर लेती हूँ, फिर दोबारा जो पानी बचा है वो कर लूंगी।
आपको आपकी जीभ को बाहर निकालना है और आपकी पहली दो उंगलियों को आपके टंग के रूट पे रखना है। इस तरह से मैंने जितना पानी पिया था वो पानी मैंने निकाल दिया है। अब थोड़ा सा जो पानी बचा है मैं वो पानी भी पी लेती हूँ। ये पूरा 2 लीटर पानी मैंने पी लिया है। और मैं इसे भी निकाल देती हूँ। इस तरह से पूरा का पूरा पानी बाहर निकल गया है और मेरे अंदर का जो थ्रोट में या फिर चेस्ट में जो भी कफ था वो पूरा बाहर निकल गया है। अब मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। और एक बार ध्यान रखिए कि वमन धोती करने के बाद आधे घंटे तक आप कुछ भी खाइए या पीना मना है। आपको कुछ खाना नहीं है ना ही आपको कुछ पीना है। अगर आपको आराम करना है तो आप आराम कर सकते हैं। कोई बहुत अधिक शारीरिक व्यायाम मत कीजिए वमन धोती करने के बाद, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में तो आप चैट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आज के लिए यहाँ पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।